गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज सुबह सुबह, आज संडे मॉर्निंग, टाइम अभी 7:30 है। अर्ली मॉर्निंग हम एक माउंटेन क्लाइंबिंग जा रहे हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर भी है। और आज मेरे साथ मेरा धर्मपत्नी गौरी है, और शान है, और ब्लैकी है। आज द मौसम बहुत ही रेनी, इज वेरी रियली रेनिंग हैवी। तो यहाँ से अभी वो 40 मिनट्स का रास्ता है, 40 मिनट्स ड्राइव, तो वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अंटिल देन स्टे ट्यून। ओके, तो एक्चुअली हम एक जगह है, उसका नाम है फुयोंग। फुयोंग एरिया में एक माउंटेन है, उसका माउंटेन का नाम है फ्योनिक्स माउंटेन तो बोलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है, तो आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा मंदिर का वीडियो फ्लॉप हुआ था, तो देखते हैं आज क्या होता है। और एक और प्रॉब्लम है, आज हमारे साथ ब्लैकी है। ब्लैकी को, मतलब मेरा डॉग, उसको अलाउ करते कि नहीं मंदिर के अंदर। तो आज थोड़ा मौसम भी वेरी रेनिंग हेविली, बाहर का बहुत ये बारिश आ रहा है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो नाउ वी आर इन द फुयोंग एरिया। फुयोंग एरिया और सामने वाला वो पहाड़, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी पहाड़ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कवर्ड बाय द क्लाउड्स, द रेन क्लाउड्स। सो दिस इज फुयोंग टाउन एरिया। तो यहाँ से हमको हाउ लॉन्ग टू आई थिंक इज अबाउट फ्रॉम हियर इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, maybe like 10 minutes we reach at the base of the mountain. पार्क करेंगे गाड़ी को। यहाँ पर पार्किंग बहुत महंगा है यार, चेन्नई में पार्किंग इज वेरी एक्सपेंसिव। ओनली खाली पेट्रोल सस्ता है, बाकी पार्किंग और टोल फी बहुत ही महंगा है चेन्नई में। तो सो हियर इज से टर्न राइट लेफ्ट फर्दर। ओके, तो अभी हम पहुंच गए पार्किंग। यहाँ पे सिक्योरिटी टेम्परेचर चेक करेगा अभी। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हम पार्क करेंगे, गोइंग फॉर अ गुड प्लेस अंडर द ट्री। लेट्स सी वी गो नियर द एग्जिट। ओके, दैट विल बी इजी। दिस इज द माउंटेन वी आर गोइंग। कैन नॉट सी बिकॉज़ ऑफ द रेनिंग। गाड़ी पार्क कर अभी जा रहे हैं पहाड़। अभी यहाँ पे बेस में, और एक मेरा चाइनीज फ्रेंड भी आया है उसके फैमिली के साथ। और ये बंदा लास्ट टाइम मेरे साथ इंडिया भी आया था। इसको इंडिया बहुत पसंद है। उत्तराखंड, लास्ट टाइम हमारा उत्तराखंड न्यू दिल्ली ट्रिप ये भी आया था हमारे साथ, बेटे के साथ। तो बहुत बारिश हो रही है। ये अपना टीम दिख पूरा छतरी वतरी लेकर जा रहे हैं, और ब्लैकी भी है वहाँ पे। और देखते हैं आगे कैसा है, मैं दिखा दूंगा वहाँ का, वहाँ का मंदिर का, स्कूलों का कल्चर, और हमारा कल्चर थोड़े बहुत मिलती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा बारिश है यार, इट्स नॉट कन्वीनियंट होल्डिंग द कैमरा और अम्ब्रेला, तो उतना कन्वीनियंट नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं। शान, हाय। ओके, अभी एंट्रेंस पे, एंट्रेंस पे फ्री है, नो एंट्रेंस फी कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे नूडल्स वगैरह, और इन लोगों का ये बेच रहे हैं ब्रेकफास्ट नूडल्स, और टोपिया, अम्ब्रेला, और ये बटरफ्लाई नेट बेच रहे हैं लोग, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन शेंजन। तो अब ये बहुत सारा इन लोगों का ओपन स्पेस है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। नॉर्मली इट विल बी वेरी रश ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। आज भी वीकेंड है, मगर बारिश की वजह से थोड़ा सुबह सुबह लोग कम है अभी यहाँ पे। सुबह के अभी टाइम 8 बज चुके हैं। देखिए बारिश के मौसम के वजह से लोग बहुत कम है, फिर भी यहाँ पे थोड़े बहुत भीड़ है। कुछ लोग कैमरा वामरा लेके आ गए, प्रोफेशनल कैमरा, और ये अगरबत्तियाँ बेच रही है। ओके, फंग फंग शान, शान मतलब माउंटेन, और फंग फंग इसका मतलब फ्योनिक्स माउंटेन। तो अभी हम फ्योनिक्स माउंटेन के बेस में है,
तो आप देख सकते हैं तो लोग बहुत कम है आज, तो बारिश के मौसम की वजह से कम है, थोड़ा बारिश रुक गई है तो। और यहाँ का मौसम भी बहुत बढ़िया है, इट्स लाइक आई मीन द नेचर, वेरी नेचर, वेरी ग्रीन, थोड़ा फॉरेस्ट जैसा है और बहुत ही मुझे आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, काइंड ऑफ हरा भरा पेड़ वगैरह, वेरी फ्रेश एनवायरमेंट है यहाँ पे। और ये लोग बहुत ही क्लीन मेंटेन किया है, हर जगह डस्टबिन है यहाँ पे, ऐसे नहीं मतलब जो भी मतलब घर से खाना लेके आया और ऐसे ही पेपर प्लेट वगैरह फेंक दिया, ये नहीं है, बहुत क्लीन मेंटेन किया है यहाँ पे। आप एक भी आप प्लास्टिक का, प्लास्टिक कप्स और पेपर कप्स या दारू का बोतल वोतल आप नहीं देख सकते यहाँ पे, इट्स वेरी क्लीन, दे मेंटेन रियली गुड, दे यू सी। नाइस, अभी हमको ऊपर चढ़ना है, ऐसे ऊपर बहुत ऊपर चढ़ना है, मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आज एक ट्रैकिंग जैसा हम जा रहे हैं। और ब्लैकी इज वेरी गुड इन माउंटेन क्लाइंबिंग। यहाँ पे एक छोटी सी एक मंटप जैसा है, थोड़ा बहुत थोड़े के लिए हम रेस्ट ले लेंगे यहाँ पे 5 मिनट। और बहुत नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, वाटर छोटे बड़े वाटरफॉल्स है, बहुत ही शांत और शुद्ध हवा है, और सेफ्टी भी है यहाँ पे क्योंकि कुछ कुछ सीसीटीवी कैमरास भी है यहाँ पे, तो हिडन कैमरास भी है। अभी अभी मेरा दोस्त कह रहा था पहले यहाँ पे चाकू वाकू दिखाकर पैसे और जो भी आपके पास वैल्यूएबल थिंग थे वो लेके जाते थे, अभी ये सब कुछ बंद हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ही सेफ जगह है। और ये है लोरी मेम साहब और मेरा फ्रेंड्स के वाइफ, और ये है छोटी सी हेलो चोईचा चोईचा। तो अभी हम पहुंच गए और सुना है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, प्योरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, मैं हम वहीं पे खाना खाएंगे आज और मैं आपको दिखा दूंगा। आप देखिए यहाँ पे कुछ कॉफ़ी आइसक्रीम भी कुछ लिखा है यहाँ पे। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश की वजह से मौसम अच्छा लग रहा है, अगर धूप है तो अरे यार पसीना ही पसीना, बहुत गर्मी है फिर भी मौसम अच्छा है। और ये है मेरा दोस्त, ये है खेन शाओ, इसको इंडिया बहुत पसंद है, ही लाइक्स इंडिया अलॉट, इंडियन फूड। लास्ट टाइम मेरे साथ उत्तराखंड ताजमहल औली चोपटा घूम के आया, वेरी नाइस प्लेस राइट, ओके आई लव दैट, ओके आई लव इंडिया, ओह गुड, या इसको बहुत पसंद है इंडिया, इंडिया और इंडियंस का खाना बहुत पसंद है। तो आज मेरे साथ भी यहाँ पे घूमने आया है फैमिली के साथ, तो टेम्पल से नाली टेम्पल टेम्पल ओके। तो अभी हम पहुंच गए वो टेम्पल के नीचे, तो यहाँ पे वो चाइना भगवान को अगर आप अगरबत्ती वत्ती जलाएं तो यहाँ पे वो कैंडल से अगरबत्तियाँ भी है, तो इसको कहते हैं फ्योनिक्स रॉकी टेम्पल। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, मास्क बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोरोना ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म इन शेंजन सिटी में। तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कुछ लोग प्रेयर कर रहे हैं, और ये भी इन लोगों का फेंग शुई है, कुछ फेंग शुई का ये पता नहीं क्या है, इसमें गौरी से पूछूंगा, गौरी व्हाट इज दिस द फैन द गोल्डन कलर, इसको कुछ इन लोगों का ये लोग मानते हैं इसको भगवान के ऊपर, व्हाट इज इट एक्चुअली, विंडमिल, आई नो ओके, जब भी हवा आएगा जब वो घूमेगा उसका मतलब ये बैड लक निकल जाएगा अपने आप, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट है इन लोगों का। ओके सो वेयर इज द मेन टेम्पल, टेम्पल इज दैट साइड राइट, या वी गो देयर, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है शेंजन सिटी, उस तरफ समुद्र दिखाई दे रहा है मुझे बहुत दूर दूर से, और ये बहुत एक बड़ा सा पॉन्ड है, बहुत सारे क्या कहते हैं इसको टॉर्टाइज, मगरमच्छ नहीं यार हिंदी में क्या कहते हैं इसको टॉर्टाइज को, बहुत सारे टॉर्टाइज है उसके अंदर, बहुत सारे लोग वो कॉइन्स फेंके एक यूएन वो 50 सेंट्स का पैसे फेंके हुए लोग। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल, और ये लोग भी अगरबत्तियाँ वगैरह जला कर प्रे कर रहे, प्रार्थना कर रहे, कुछ मांग रहे भगवान से। और गर्मी है इसीलिए ये भाई साहब टी शर्ट को ऊपर चढ़ा दिया है,
कैंडल वगैरह चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। एक अलग का जगह बना दिया है खाली अगरबत्ती रखने के लिए, अलग का जगह है। और ये मेन भगवान और ये लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल हमारा अपने इंडियन जैसे, ये भी लोग दोनों हाथ जोड़कर पांव नीचे कर कुछ मांग रहे भगवान से, कुछ दुआ मांग रहे। चलिए मैं अंदर जाने के लिए कोशिश करता हूँ। मोबाइल का पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिक्योरिटी अभी मुझे बोला एक महीने के लिए, अभी इसको मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे पूरा थर्मल कैमरा वगैरह है। फायदे ओके, तो कुछ यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं। लोगों का मेन भगवान चाइना भगवान, मुझे भला करो भाई। अच्छा ये अंदर फोटो अलाउड है कि पता नहीं है। और ये है, ये बॉडी गार्ड्स का है, बॉडी गार्ड्स का भगवान है। और ये लोग प्रेयर कर रहे हैं, हमारे जैसे फल वल चढ़ाते हैं भगवान को। ये मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही शांत लोग हैं। लोग प्रेयर कर रहे थे, लोग कुछ यहाँ पे भी हुंडी हुंडी है, पैसे डाल रहे हैं, जैसे ये बंदा डाल रहे पैसा, कुछ दुआ मांग रहा है और डाला पैसा हुंडी में। मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान की, भगवान मुझे भलाई करो भाई, और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को भी भलाई करो। और ये आगे ये देखिए, ये फल और अगरबत्तियाँ, फल और चल एग्जिट। ये बहुत ही छोटा मंदिर है, और मंदिर में भी हैंड वॉशिंग अभी बहुत क्लीन है। और यहाँ ये लोग, ये भगवान लोग गुस्से वाले भगवान लोग ये है, ये मैंने सुना ये लोग बॉडी गार्ड जैसा है, मतलब आपके पास कोई इविल है, कोई भूत प्रेत है तो ये लोग भगा देंगे उन लोगों को। किसी ने मना नहीं किया मुझे फोटो लेने के लिए। कुछ मंदिरों में अलाउड नहीं है, कुछ में अलाउड है, जिसमें अलाउड है मैंने वो चांस लेकर आपको दिखाई दिया। ओके इट्स रियली गुड। ये अपना गौरी मेम साहब कहाँ गई? और वो देखिए यहाँ पे एक सेपरेट ये बनाए अगरबत्ती क्या है वो, कैंडल लगाने के लिए अलग का प्लेस है। इसका कैबिनेट जैसे बनाकर एक कैबिन बनाया ताकि सेफ्टी के पर्पस की वजह से इस तरह बनाए लोग। और ये बड़ा वाला इसको अगरबत्तियाँ जलाने के लिए, अगरबत्तियाँ नहीं, कुछ लोगों का कुछ मानते हैं, इन लोगों का कुछ प्रेयर्स है, कुछ श्लोकाज है, वो जलाते हैं उस पेपर को जिसने इसमें कुछ भगवान का श्लोक हो लिखा रहता है चाइनीज पे, उसको जलाने के वजह से इन लोगों का मतलब ये लेके आया वो पेपर, चाइनीज पेपर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ गोल्डन पेपर्स है और कुछ इन लोगों से पेपर जलाने से मतलब इनको लक आ जाएगा, बैड लक दूर हट जाएगा। और देखिए अभी ये जला रहे हैं बंदा पेपर, और वो जला रहे हैं ना भी नहीं हो वहाँ से, वो सौशिन ये जला रहे हैं लोग इस तरह से। वो नहीं पढ़ते है उसमें क्या लिखा है, ये लोग नहीं पढ़ते, खाली ऐसे ही उसको जला देते हैं। उसको जलाने से इन लोगों का लक आ जाता है, पता नहीं, कुछ इन लोगों का भी बिलीफ है और कल्चर है। वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी पीपल्स बिलीफ एंड थिंग। ओके ब्यूटीफुल व्यू है, कितना खूबसूरत है, पता नहीं कुछ दीवार है क्या लिखा है, कुछ लिखा होगा ओम शांति ओम कुछ ऐसे इस तरह के लिखा होगा चाइनीज में, मैं गौरी से पूछना पड़ेगा। विश यू गुड लक ऐसे कुछ लिखा रहता है। और वो देखिए दूर का नज़ारा, वो है वहाँ पे दूर दूर से आपको एयरपोर्ट है, चेन्नई का एयरपोर्ट, और समुंदर है। तो ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके इस टाइम मेरा ये टेम्पल बहुत ही छोटा है, जो मैं लास्ट टाइम गया था वो टेम्पल बहुत बड़ा है। तो आई विल शो यू द व्यू पॉइंट। देखिए बहुत क्लीन है, हर जगह से डस्टबिन वस्टबिन वगैरह मेंटेन किया है, कोई गुटखा तंबाकू खाकर थूका नहीं यहाँ पे। ओह देखिए नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा। वो शेंज़ेन एयरपोर्ट है दूर से, पता नहीं इस छोटे कैमरे में आपको दिखाई देगा कि नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और मेरा छोटा हीरो, यू वांट्स टू प्ले, यू वांट्स टू प्ले विद द ड्रैगन फ्लाई, यू वांट टू कैच द ड्रैगन फ्लाई। ओके, यू डोंट गो इनसाइड द टेंपल, व्हाई? बोरिंग। छोटा हीरो बोरिंग बोल रहा है भगवान को। लोग मानते वो वेजिटेरियन फॉलो करते और बुद्धिस्ट को फॉलो करते, वो लोग क्या करते बाजार में जो भी बिकता है वो, मतलब फिश मार्केट में जो भी क्या कहते हैं उसको, टॉर्टेस को, कछुआ अच्छा, हाँ कछुआ को खरीद कर और यहाँ पे वो छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे कछुए यहाँ पे, और कुछ लोग पत्थर भी, मतलब पत्थर नहीं कॉइन्स वगैरह फेंका है इसके अंदर। तो दिस इज हाउ द चाइनीज बिलीव अबाउट द बुद्धा। सही है, इट्स गुड थिंग, नो किलिंग्स, अहिंसा। ड्रैगन कछुआ है, उसके ऊपर एक हंडी जैसा कुछ है और लोग उसके अंदर पैसे फेंक रहे हैं। इसका मतलब जिसका पैसे है उसको अंदर गिरेगा उसको ज़्यादा लक मिलेगा और ज़्यादा पैसे मिलेगा, इन लोगों का मानना है। इसीलिए ये लोग, वो देखिए पत्थर फेंक रहा है उसके अंदर टारगेट कर रहे हैं वो लोग वहाँ से, वो भी कुछ इस तरह के ये लोग बिलीफ है इन लोगों का। पत्थर नहीं कॉइन्स फेंक रहे हैं, और वहाँ पे एक नोट भी, कोई नोट भी फेंका है अंदर, आई कैन सी दैट 10 yuan। ये कॉम्पिटिशन के ऊपर फेंक रहे पैसे, बहुत सारे पैसे फेंक रहे हैं। Oh, you want to buy the turtle food to the turtle? Yeah. And where to buy the turtle food? Yeah. Yeah? How much? You go and check how much the food? Go and check how much the price, the turtle food? अभी शाम कछुआ को कुछ खाना खिला रहे, उसको खाना यहाँ पे मिल रहा है। वो ये है, अच्छा ये 5 yuan का एक है, 5 yuan का एक खाना है। Okay, so this is, okay, goodbye. Okay, Shan is throwing. Oh, is he coming? They are coming. Many coming. Right? Good. He is throwing food to the turtle. Yeah, see the baby turtle is coming. Okay, good boy. Yeah. मेरे ख्याल से पैसे फेंकने से वजह से कुछ खाना फेंक दिया तो मतलब it's a safety for these turtles. कभी कभी कॉइन क्या वो गले के अंदर अगर वो स्टक हो गए तो वो मर जाने का चांसेस है। वाओ शान, यू कॉल मैनी टर्टल्स राइट? हे पांच यून का एक पैकेट है, स्पेशली ये फिश फूड। अभी ये शान खिला रहे, मजे से खिला रहे और वो भी मजे ले रहे, बहुत सारे कछुए मजे ले रहे खाने का। You enjoy throwing the food? You like? Yes. Yeah, good boy. मंदिर में अगरबत्ती के साथ साथ स्मोकिंग भी अलाउ है, जैसे ये चाचा जी स्मोक कर रहे हैं, मजे ले रहे स्मोकिंग का। एक नया मंदिर है, बिल्कुल ये पुराने मंदिर के सामने यहाँ पे एक नया मंदिर है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है। इट्स टोटली न्यू टेम्पल। इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना मस्त है, रियली लव दिस आर्किटेक्चर। और ये उनों का प्रेयर करने का स्थान है, और ये देखिए कैंडल्स जलाते हैं इसके ऊपर, कैंडल्स के कुछ रेन फिंग ऑन मीन्स लाइक विश गुड लक कुछ लिखा है। और अंदर का एक भगवान, बौद्ध भगवान है अंदर। अंदर अलाउ करते कि नहीं देखते यार, चलो। ब्यूटीफुल है, अच्छा वो देखिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग, फल वल। ये देखिए बिस्किट और एप्पल कुछ भगवान के लिए दिया है, प्रेयर कर रहे हैं। कोई मास्क नहीं पहना है,
भिक्षुक को देखा मैंने, बेगर को। ये देखिए वो भी क्यूआर कोड स्कैनर है उसके पास, क्यूआर कोड स्कैनर है, मोबाइल फोन भी है। तो बहुत बहुत कम है। वो मेरा दोस्त दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डोनेशन, इलेक्ट्रॉनिक से दान कर रहा है। वो एक विचार से स्कैन किया। हाउ मच? सिक्स यन। वेरी गुड, गुड। या ओके, पे कर दिया। नाउ टेक टेक। वाओ, उसको मिल गया। या हाईटेक बेगर। हेलो, से हेलो। हेलो, अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो हम बहुत जल्दी, सुबह बहुत जल्दी हम आ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी भीड़ शुरू हो रहा है धीरे धीरे से। तो दोपहर तक बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट 10:30 है। तो नीचे जाके खाना खाएंगे, वो वेजिटेरियन फूड जो मेरा दोस्त बोल रहा है, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन फूड मिल रहा है। अभी नीचे आ गए, अब देख सकते हैं कितना भीड़ है। अभी बारिश की वजह से सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप थे नीचे, जब सुबह हम आए थे बहुत कम लोग थे, अभी कितने भीड़ है। पार्किंग बहुत खाली था, अभी देखो कितना भर गए पार्किंग। थोड़ी देर के बाद आपको कार, मतलब जगह नहीं मिलेगा पार्किंग करने के लिए, ऐसा इतना भीड़ रहता है यहाँ पे। आपको गाड़ी अंदर भी नहीं घुसती है, इतनी मतलब इतनी जैम पैक्ड होती है यहाँ पे। एग्जिट हो रहे हैं बाहर, तो द पार्किंग फी वाज ओनली 5 yuan। मैंने सोचा बहुत महंगा होगा, नहीं बहुत सस्ता है, ओनली 5 yuan। इट इज ऑलरेडी हमने वो वीचैट से क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर चुका है, ओनली 50 Indian rupees। ओके, लेट्स गो फॉर लंच नाउ।